जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। अवध विश्वविद्यालय ने आखिरकार अपने वेबसाइट से बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लिखा है कि कुलपति महोदय के अनुसार बीएड द्वितीय वर्ष एवं भूतपूर्व की परीक्षाएं। तो जो खबरें वायरल हो रही थी वो सही है, यूनिवर्सिटी ने अभी अपडेट किया है। अगर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यूनिवर्सिटी ने आखिरकार सूचना जारी कर दिया। आप अब इसको आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम विस्तृत रूप से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स कब से शुरू होना है। तो जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख से बीएड सेकेंड ईयर की जैसी की सूचना आ रही थी, बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम 10 तारीख से होगा। शनिवार को 10 तारीख का बीएड का सेकेंड ईयर का एग्जाम है, फर्स्ट पेपर। संडे को गैप है, संडे को कोई एग्जाम नहीं। मंडे को दूसरा पेपर और ट्यूसडे को तीसरा पेपर, यानी कि 3 दिन में सेकेंड ईयर के 3 पेपर खत्म हो जा रहे हैं। अगर आपके पास ये डेट शीट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर लिखा गया है कि कुलपति के आदेशानुसार ये जो अब है आधिकारिक वेबसाइट पे ये चीजें सामने आ गई हैं। तो अब इसमें सब और सुबह की कोई गुंजाइश नहीं दोस्तों। सेकेंड ईयर के एग्जाम कन्फर्म है कि सेकेंड ईयर का एग्जाम 10 तारीख से शुरू होगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम की। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम की अगर हम बात करें तो कुलपति के आदेशानुसार बीएड प्रथम वर्ष, ठीक है, बीएड प्रथम वर्ष का अगर हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से, तो बीएड प्रथम वर्ष की एग्जाम 14 तारीख से। इस बार अच्छी बात यह है कि पहले सेकेंड ईयर की एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्जाम शुरू होगा। तो चलिए 14 तारीख से आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है दोस्तों, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। 15 तारीख को दूसरा पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और 16 तारीख को तीसरा पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। यानी कि 14, 15 और 16 कोई गैप नहीं दिया गया है। और बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों परीक्षाएं द्वितीय पाली में होंगी, दो बजे से 5 बजे तक होंगी। सेकेंड मीटिंग में दोनों पेपर्स होंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, यानी कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है। तो 14, 15 और 16 तारीख को तीनों आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं। उसके बाद से अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो पहले दिन यानी कि 19 तारीख से आपका ऑप्शनल, जिसमें संस्कृत और कॉमर्स। तो आप कमेंट में बताइए कि कितने बच्चों की संस्कृत है और कितने बच्चों का कॉमर्स है। 20 तारीख को हिस्ट्री, 21 तारीख को ज्योग्राफी और 22 तारीख को दोस्तों आपका हिंदी है। 23 तारीख को होम साइंस, 24 तारीख को इंग्लिश, 26 को मैथ, 27 को फिजिकल साइंस, 28 को बायोलॉजिकल और 29 तारीख को इकोनॉमिक्स। अगर हम मैथ, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी की बात करें तो 26, 27 और 28 भी है। तो हमें अभी क्या करना है दोस्तों, हमें जल्द से जल्द इन 3 पेपर को, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को खत्म करना है। तो बिल्कुल आप घबराइएगा मत, समय है हमारे पास, 14 दिन का समय है, 14 दिन में हम अच्छे से इसको कवर अप करेंगे, खत्म करेंगे। तो बिल्कुल आप घबराइएगा मत, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की डेट शीट अब आ चुकी है, आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुकी है, तो हम इस चीज को सत्य मानेंगे, सही मानेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सूचना जारी कर दिया, ठीक है। तो आप सभी को मुबारकबाद, खुशखबरी की डेट शीट आ गई है, कंफर्म डेट आ गया है। सीरियसली तौर पे पढ़ाई करते हैं आप भी और मैं भी, और जो भी मेरे द्वारा हो पाएगा मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा। रेगुलर आप वीडियोस को देखिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कम से कम आज से आप जो 10 दिन और 14 दिन मिले हैं आपको, इन 10 से 14 दिन में आपको अब लिख के पढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये लिख के आपको पढ़ना है, और जो भी चीजें होती हैं आपको बताई जाएंगी। तो आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों से, कि लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने शुरू कर दिया होगा। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, खत्म करेंगे, घबराना नहीं, इजिली करेंगे हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अगर किसी लड़के को लगता है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल घबराओ नहीं, सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी, सारी चीजें, सारी वीडियोस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएगी, उससे बाहर का नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लोग खास तौर पे टेंशन ना ले, फर्स्ट ईयर के पेपर हम कराएंगे साथ में आपके, हम आपके साथ में, हम पढ़ाएंगे आपके साथ पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना फर्स्ट ईयर वालों, ठीक है, घबराना नहीं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिनको ये लग रहा था कि अभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नहीं आया है, तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी अब ये न्यूज आ चुका है, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, तो ये हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता हूँ ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आप प्लीज़ पढ़ाई को सीरियसली शुरू कर दीजिए, हम कुछ आंसर्स और क्वेश्चन की वीडियो अभी जल्द अपलोड करेंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।